जी, मैं अमित शाह की हुंकार रैली में लोगों की भीड़ कम रही, हर जगह अब इस बात की चर्चा है कि आखिर भीड़ क्यों नहीं पहुंच पाई, और इसी चीज को लेकर के मेरे साथ जुड़े हैं सांसद राजकुमार सैनी। सैनी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कल दावे किए जा रहे थे भाजपा के द्वारा कि 2 लाख लोग आएंगे, लेकिन भीड़ सिर्फ 20,000 की रही, क्या मानते हैं आप इसके पीछे? आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। देखिए, जो एक समाज था जो विरोध कर रहा था, उसने तो आना ही नहीं था जो उस क्षेत्र में बाहुल्य तौर पर बसता है, जी और जो अदर थे, जो उनसे क्षुब्ध हैं, उनको अपलिफ्ट करके जो फैसला लिया गया, और जो पिछले दिनों एक समाज के कुछ नेताओं को, समाज तो सारा नहीं होता, समाज के यशपाल मलिक जैसे जो निष्कासित, उत्तर प्रदेश के निष्कासित जैसे नेताओं को अगर इतना बड़ा प्रचंड बहुमत वाली सरकार झुक करके वो फैसले लेगी जिससे उन लोगों के दिलों पे जो है ना ठेस पहुंची, जिन लोगों के घर जले, जिन लोगों को मारा गया, उनसे नाराजगी की वजह से लोग नहीं आए। जी बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि जाट तो भाजपा से नाराज थे, अब नॉन जाट में भी ये नाराजगी बढ़ गई है। यही नाराजगी थी कि इस प्रकार कानून व्यवस्था का क्या होगा भविष्य में, जो है ना कोई भी जिसके हाथ में डंडा होगा वो तो कुछ भी बनवा ले, और जिस जो कमजोर असंगठित लोग होंगे वो मच्छरदानी में मच्छर जैसे फंसे रहते हैं वैसे कानून में फंसे रहेंगे, ताकतवर तो लोग कानून को मानेंगे ही नहीं। सुभाष बराला द्वारा भी बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हम शक्ति परीक्षण कर देंगे, ऐसे शक्ति दिखा देंगे, वो भी फेल नजर आए, हालांकि अमित शाह उनको थपथपी दे के जरूर गए हैं। अपने अपने चित्र को आना से ही अगला जो है ना 500 मोटरसाइकिल इकट्ठी करके दिखा दे दादा मां, क्या दावे तो कोई कर दे कि मैं आसमान आसमान में तीर चला दूंगा, उसका कुछ कहना। तो सैनी साहब, ये मान के चलें कि जो आरक्षण की लड़ाई प्रदेश में चली हुई है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए लाभदायक तो नहीं रहने वाली है, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा था कि रैली से पहले जो इसके द्वारा यशपाल मलिक के द्वारा ये सारा डिसीजन लिया गया इससे अदर जो लोग हैं उन लोगों की भावनाएं आहत हुई। अभी लोगों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये सारा एक ड्रामा था कि वो लोग सड़कों पर बैठेंगे सिर्फ रैली को प्रचार देने के लिए, ऐसा किया गया था। देखिए वो कैसे भी किया गया, लेकिन तो ये उड़ा के रथ को चैलेंज देने का था, तंवर के साइकिल को तंवर चैलेंज देने का था, तो इसलिए मोटरसाइकिल का डिसीजन लिया गया, लेकिन फिर भी चलो कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से तो जो आए वो बहुत है। शुक्रिया राजकुमार सैनी जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे सांसद राजकुमार सैनी जो साफ तौर पर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जाटों को तो नहीं मना पाई, लेकिन नॉन जाट की भी, गैर जाट की भी नाराजगी उन्होंने ले ली है, इसी वजह से जो जींद की रैली है वो सफल नहीं हो पाई। अब देखना ये होगा कि राजकुमार सैनी ने जिस प्रकार से कहा है, क्या भाजपा भी उसी तरीके से सोच पाएगी। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।